say his name 5 times while looking in the mirror. He appears in the reflection and kills you. Welcome to the world of Die Hard. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ top 10 great horror movies so far. तो हमारी next film है Sensor 2021. Sensor 2021 एक British psychological horror film है जिसे direct की है Prano Billabong ने. ये film produce की गई है from the screenplay by Prano Billabong and Anthony Fletcher ने. फिल्म की star cast है Neem Elger, Nicholas Burns, Vincent Franklin and many more. फिल्म का plot follow करता है एक lady को जो कि believe करती है कि उसकी sister missing है और वो निकलती है उसको ढूंढने के लिए. उसके बाद वो अपने आप को बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देती है. सेंसर प्रीमियर हुई थी 2021 Sundance फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2021 में. कैंडीमैन एक सुपरनेचुरल फिल्म है जिसके डायरेक्टर है नीना डाकोस्टा. ये फिल्म एक सीक्वल है कैंडीमैन 1992 की और फोर्थ फिल्म है कैंडीमैन फिल्म सीरीज की. कैंडीमैन थियोरेटिकल रिलीज की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में अगस्त 2021 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा. इस फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे क्रिटिक्स के द्वारा, जिन्होंने डाकोस्टा को डायरेक्शन और विजुअल स्टाइल के लिए प्राइज किया था. द फिल्म ग्रोसेड $77 million वर्ल्ड वाइड अगेन $25 million बजट. हमारी नेक्स्ट फिल्म है द नाइट हाउस. डू यू गाइस बिलीव इन घोस्ट्स? द नाइट हाउस एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है डेविड ब्रोकनर. इस फिल्म के राइटर है बेन कॉलिंस एंड लू पिट्रोस की. फिल्म की स्टार कास्ट है रेबेका हॉल एज अ विडो जो डिस्कवर करती है अपने घर के एक डार्क सीक्रेट को जो कि उसके हस्बैंड ने बनाया होता है. ये फिल्म प्रीमियर हुई थी सनडांस फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2020 में. इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स. दे प्रेज रेबेका हॉल्स परफॉर्मेंस वेरी मच. हमारी नेक्स्ट फिल्म है फियर स्ट्रीट पार्ट 3. फियर स्ट्रीट पार्ट 3 एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है. ये फिल्म बेस्ड है द बुक सीरीज ऑफ फियर स्ट्रीट के ऊपर जो लिखी है आरएल श्राइन ने. फिल्म फॉलो करती है द ओरिजिनल ऑफ सैंडी साइड्स कर्स इन मिड 17th सेंचुरी. फिल्म प्रीमियर हुई थी लॉस एंजेलिस में जुलाई 2021 में. इस फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स हु डिस्क्राइब द फिल्म एज इफेक्टिव कंक्लूजन टू द ट्रायोलॉजी. हम इसे खत्म कर सकते हैं, सैंडी साइड को बचा सकते हैं. हमारी नेक्स्ट फिल्म है हॉलोवीन किल्स. हॉलोवीन किल्स एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है डेविड गॉर्डन ग्रीन. ये फिल्म एक सीक्वल है हॉलोवीन 2018 की और 25th इंस्टॉलमेंट है हॉलोवीन फ्रेंचाइज की. फिल्म की स्टार कास्ट है जेमनी कल्टीस एंड जेम्स जूड कॉर्टने. COVID-19 की वजह से ये फिल्म रिलीज हुई थी सितंबर 2021 में. इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स, जैसे कि फिल्म की ब्रूटालिटी, क्रिएटिव स्किल्स, स्कोर, सिनेमेटोग्राफी एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है. लेकिन ये फिल्म क्रिटिसाइज हुई थी वीक स्क्रीन प्ले के लिए और अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर की वजह से. ये एक डायन का टोटका है. तुम्हारे परिवार को किसी ने श्राप दिया. द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है माइकल चावेज. ये फिल्म सीक्वल है कंज्यूरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि एक 7th इंस्टॉलमेंट है कंज्यूरिंग यूनिवर्स की, जो एक डेमोनिक केस है जिसे पूरे अमेरिका को शॉक कर दिया था. ये फिल्म ओरिजिनली रिलीज होने वाली थी 2020 बट ड्यू टू पैंडेमिक द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी टू डू इट इट वॉज रिलीज बाय वार्नर ब्रदर्स एंड न्यू लाइन सिनेमा इन द यूनाइटेड स्टेट ऑन June 21. द कंज्यूरिंग पार्ट 1 के डायरेक्टर वॉन ने एंटरटेनमेंट वीकली में ये कहा था कि इस फिल्म के मेकर्स हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्क्रिप्ट को अच्छी बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. डायरेक्टर वॉन ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि ये फिल्म पर वो काम नहीं कर सकेंगे ड्यू टू देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट. लोरेन, हमारी नेक्स्ट फिल्म है लास्ट नाइट इन सोहो. लास्ट नाइट इन सोहो एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है एडगर राइट. इट स्टार्स थॉमसिन मैकेंजी जो एक टीनेज लड़की है और वो मूव होती है लंदन में फैशन डिजाइन सीखने के लिए और वहाँ पे वो हंट होती है द विजन ऑफ सैंडी जो कि एक ग्लैमरस यंग वुमन है ड्यूरिंग द स्विंगिंग 60s. इस फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स हु प्रेज इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स, डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंसेस. हमारी नंबर 3 पे है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2. पता नहीं तुम
तुम इतनी दूर क्यों आए? अब कुछ भी नहीं बचा है। A Quiet Place Part 2 एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर है जॉन क्रासिंस्की। ये फिल्म एक सीक्वल है A Quiet Place Part 1 2018 की, जो कि फॉलो करती है एक फैमिली को। ये फैमिली सरवाइव करती है पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जो इनहिबिटेड है ब्लाइंड एलियंस से, जिनके पास अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है। इनकी पहली फिल्म के बॉक्स ऑफिस के सक्सेस के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने ये दूसरी फिल्म बनानी स्टार्ट की। बहुत से लोग मदद के लिए तड़प रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? मुझे पता है। जो लोग जिंदा बचे हैं वो बचाने लायक बिल्कुल नहीं है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है एडलर्स। एटलर्स एक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर है स्कॉट कूपर। फिल्म की कास्ट है कैरी रसेल, जेसी पेलमंस। फिल्म का प्लॉट फॉलो करता है स्कूल टीचर को, जो कि सस्पेक्ट करते हैं अपने एक स्टूडेंट को जो कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सफर करता है, और उसको ये नहीं पता होता है कि उसकी घर में एक डेविल डीमन का साया है। ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जुलाई 2018 में और एटलर्स प्रीमियर हुई थी अक्टूबर 2021 में। हमारी नेक्स्ट फिल्म है मलिंगनेंट। मलिंगनेंट एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर है जेम्स वॉन। इस फिल्म की स्टार कास्ट है एनाबेल वैलिस एज अ वुमन, जिसको विजन आते हैं कि लोग मर रहे हैं। उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि वो सच में मर रहे हैं इन रियल लाइफ। इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड फिल्म ग्रोस 34 मिलियन वर्ल्ड वाइड। द फिल्म वॉज थियोरेटिकली रिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन सितंबर 2021 बाय वॉर्नर ब्रॉस पिक्चर।